हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर टू किया था, और एक बात बताऊं अपनी बुक की, मैं आपको चैप्टर टू, फिर चैप्टर जो थ्री है इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, फिर इन तीनों के कंबाइन एमसीक्यू, क्योंकि ये ना लॉजिक है, इनमें एक लिंक है, और उनके कंबाइन क्वेश्चन जो कि आपके एमटीपी, आरटीपी और आपके पास्ट ईयर जो क्वेश्चन है और जो स्टडी मेट है, वो सारे मैंने एक साथ दिए हुए हैं इसी बुक के अंदर। और जब ये मेरे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, चैप्टर थ्री ए और थ्री बी, उसके बाद मैं करवाऊंगा सर आपको 30 MCQ करवाऊंगा सर, इन दो चैप्टर्स के बेस पे, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री के बेस पे। फिलहाल इस चैप्टर को शुरू करता हूँ, और इस चैप्टर के लिए खास बात बता दूँ सर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको 3 से 4 दिन का। मान के चलिए इस पर मेरे साइड से तकरीबन 10 से 12 पार्ट आने वाले हैं इस चैप्टर को लेके सर, थ्री ए में 10 से 12 पार्ट। और ये आपके जीएसटी के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेगा, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें नई नई इस चैप्टर में सीख सकें। सर ये जो पार्ट वन देख रहे हो आप, चैप्टर थ्री पार्ट 1, इसके अंदर सर मैं कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके डिस्कस करूंगा, और ये मेनली जो चैप्टर है सर, ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक तो मीनिंग ऑफ सप्लाई पे, ठीक है सर, एक तो ये आपका मीनिंग ऑफ सप्लाई की डिस्कशन करता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई को बताता है, ठीक है सर, और दूसरा ये कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर बताता है हमें। सर एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे, जैसा मैंने अब तक तो आपको सिंपल वे में सिखाने की कोशिश की है, वैसे ही मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा आपके लोगों के साथ। तो सर इस चैप्टर को फोकस बनाते हैं। इस चैप्टर में सर हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिन्हें मैं 5 स्टार दूंगा सर, और थोड़ा सा टाइम लेगा सर ये चैप्टर, लेकिन मैं हर चैप्टर को कंबाइंड रिवीजन सर करूंगा, जो भी इस पार्ट में पढ़ाऊंगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में उसका कम्युलेटिव रिवीजन दूंगा, और जितने ही पार्ट चलते जाएंगे सर, मैं सब में आपको टोटल कंबाइंड रिवीजन देते हुए चलूंगा, ताकि आप एंड टाइम तक इसमें परफेक्शन ला पाएँ, ठीक है सर। ओके, स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर को। सर देखो, लास्ट पार्ट में हमने टैक्सेबल इवेंट की बात की थी, कि भैया CGST हो, SGST हो, IGST हो, सब में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई ही माना जाता है सर। सप्लाई क्या होता है इस पार्ट में हम सीखेंगे, ठीक है। इस पार्ट मतलब ये जो चैप्टर नंबर थ्री आपका चल रहा है, चैप्टर नंबर थ्री में आप सीख जाएंगे मेरे साथ कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। गुड सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सर मेरे पास आपको बताने के लिए, और इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर ही सर हमारा पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 है हमारे पास, जिसमें हमें सीखना है पर्सन। जीएसटी में कई जगह आएगा पर्सन पर्सन पर्सन, तो ये पर्सन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये सीखेंगे। ओके सर, पर्सन का मतलब, जैसा कि आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम जीएसटी के बाद इनकम टैक्स करेंगे यूट्यूब पे, तब आप सीखना सर मेरे साथ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको एक वर्ड की डेफिनेशन सिखाई दी जाएगी पर्सन, दोनों ही सर सेम है, चाहे वो आप जीएसटी का हो या फिर आप इनकम टैक्स का हो, दोनों में काफ़ी हद तक सेम है। देखिए सर, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल में कौन कौन आते हैं सर, एक्स और वाई, HUF हो गया सर, मान लीजिए VM फैमिली, ठीक है, जैसे रिलायंस फैमिली, टाटा अंबानी फैमिली होती है, तो अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप के थ्रू वो एक बिजनेस खड़ा करते हैं, वो HUF कहलाता है। एक कंपनी हो गई सर, जैसे आप रिलायंस कह सकते हैं। एक फर्म हो गई सर, कि VM सर है और DM सर है, दो पर्सन मिलके जब एक वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, कैरी ऑन बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम फर्म कहते हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है सर, ठीक है, LLP आ गई यहाँ पे। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सारी सर सारी चीज़ जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी है वही है सर, यहाँ पे मैं इसको एक एक स्टार दूंगा सर, ओनली 1 स्टार, नॉट सो मच रिलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पज़, जीएसटी के एग्जाम पर्पज़ से नहीं है, इनकम टैक्स के एग्जाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे, बस एक बार रीडिंग के लिए है सर ये, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप हाईलाइट कर दो, बाकी इतना कोई स्पेशल नहीं इसमें। एनीबडी कॉरपोरेटेड कॉरपोरेट इनकॉरपोरेटेड बाय, सर वर्ड को पकड़ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है सप्लाई की किसी भी एंटिटी के द्वारा, और वो आउटसाइड इंडिया होके कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सप्लाई कर रहा है इंडिया के अंदर, तो वो भी यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है, एनी रिलेटिंग टू कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। कोई भी लोकल अथॉरिटी है वो भी यहाँ पे कवर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो भी यहाँ पर्सन की डेफिनेशन में कवर है, ठीक है सर। ओके, और भी सर कुछ लोग हैं, जरा सुन लीजिए। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यहाँ पे कवर्ड है,
जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, जैसे उसके लिए हम एग्जांपल देते हैं मंदिरों का, वो यहाँ पे कवर्ड है। कोई भी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट है, अगर उसके अंदर वो रजिस्टर्ड है तो भैया वो पर्सन माना जाता है। तो सर ये ओवरऑल आपने क्या पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया, 5 मिनट आपने लगवा दिया हमारे। बाबू कुछ नहीं पढ़ाया, मैं यही कहूँगा एक स्टार है, इसको सिर्फ रीड करना है, बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करना। और बाई चांस एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इनकम टैक्स वाली जो डेफिनेशन आपने पर्सन की पढ़ी है, बस सेक्शन यूज़ मत करना, सेक्शन ये यूज़ करना 284, ये डेफिनेशन आप वहाँ पे लगा देना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसलिए रखा है क्योंकि जीएसटी में कई जगह इस चैप्टर के अंदर और आगे चल के पर्सन की डेफिनेशन जो है वो आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, अगली हेडिंग है हमारे पास डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। सर देखो अब यहाँ पे आपको 5 स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये, मैं आपको इंटरप्रेट करता हूँ, 5 स्टार से लगाइएगा। यहाँ पे तो मैंने आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं डाली क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग में था, क्योंकि आपने इनकम टैक्स पे पढ़ रखा होगा, लेकिन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूंगा सर। अब सर लास्ट टाइम मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया था, एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि सर इंटीग्रेटेड टैक्स जो है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा भाई साहब ने कमेंट में डाला था। अब सर मेरी बात को एक बात बताओ, मान लो आपका जो CGST है वो 14% है, ठीक है, और आपका SGST है वो 14% है, तो टोटल कितना हो गया, 28%। तो सर आप कह रहे हो, आपका स्टडी मेट कह रहा है कि ये 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वैसे ही गलत हो गया। तो क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आपने हार्डवर्क नहीं किया सर पढ़ते समय, तो थोड़ा सा टीचर के साथ आप भी हार्डवर्क करें। मैं एक आध गलत जगह जल्दी से पढ़ाते समय, हो सकता है हेल्थ इशू हो या फिर कोई कॉल आ जाए तो मेरा मिस हो सकता है, अदरवाइज़ मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सर आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। सर देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब GST शुरू शुरू में आया था, मतलब लास्ट ईयर, इंटरप्रिटेशन क्या थी। मान लो मैं अगर दिल्ली में हूँ, ठीक है, दिल्ली में मेरी 4 ब्रांचेस हैं, मान लीजिए भगवान करे हो भी जाए, मान लीजिए एक है आपकी नेहरू प्लेस में, एक है आपकी CP में, एक है आपकी लक्ष्मी नगर में, और एक है आपकी मान लीजिए आपकी सरता विहार में, ठीक है, सरता विहार में, ये 4 ब्रांचेस हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोविज़न सेक्शन 25, जो सेक्शन 25 पढ़ाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ, सेक्शन 25, ये आपसे क्या कहता है कि इन सभी जगह का सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग, सर ध्यान से सुनना मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग, यहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग, यहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग, ठीक है। तो ये पहले हुआ करता था, ध्यान से सुनना, ये पहले हुआ करता था, इसमें अमेंडमेंट आई, आपकी जो बुक है जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी वो अमेंडेड है, ठीक है, तो अमेंडमेंट आई इसमें सर। सर इन्होंने क्या कहा कि मान लो ये दिल्ली की ब्रांच, ठीक है, ये प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी, प्लेस डी, अगर ये सभी सेम बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, सेम बिजनेस, सेम बिजनेस, सर रटना नहीं है समझना है, सेम बिजनेस, ठीक है, सेम बिजनेस, तो मैं इनका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ये सर अमेंडमेंट है समझना आप, सिंगल रजिस्ट्रेशन लोगे तो भी चलेगा। एक तो इंटरप्रिटेशन आपकी ये निकल के आती है, ठीक है, ये नई वाली अमेंडमेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट है। अब सर अब एक और सेकेंड इंटरप्रिटेशन इसकी क्या निकलती है, मान लो दिल्ली है आपकी, दिल्ली में मेरी जो ब्रांचेस हैं वो ABCD हैं, ठीक है। अब ए और बी जो काम करती हैं वो करती है बॉक्सिंग सिखाने का, मान लो, ठीक है, और ये सी और डी ये काम करती है टीचिंग का, क्या बॉक्सिंग और टीचिंग सेम प्रोफेशन है, आंसर इज नो। तो सर इसका आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो, इसका आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है। अब सर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये एंटिटी जो आपकी एंटिटी है, ये वाली एंटिटी, इसका आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ट्रीट करोगे, ठीक है, और इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ट्रीट करोगे, तो इनको बोलते हैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, कि भैया आज से हम दोनों के बीच में दीवार आ गई। अब एक आपने लाइन सुनी होगी दीवार मूवी की, हमारे पास बगला है, मोटर है, कार है, तेरे पास क्या है, तो वो बोलेगा मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मतलब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अब ये करण अर्जुन अलग अलग हो गए, अब ये भाई साहब अलग काम करेंगे, ये अलग करेंगे, दोनों की रिटर्न्स अलग अलग जाएंगी, दोनों का अपना अपना पैरामीटर होगा, अपने अपने स्टैंडर्ड्स होंगे काम करने के, ये वो कहता है पहला क्लॉज। तो हमने क्या सीख लिया सर, मैं आपको बताऊं, हमने सीख लिया 25-4, ठीक है। अब ये एक होमवर्क है सर आपका, आप इसको घर पे जाके पढ़ेंगे, और घर पे पढ़ते समय सर इन इसी बात को दो चार्ट से पढ़ेंगे, एक चार्ट मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दिया, दूसरा वो दिया,
एक में मैंने बताया दिल्ली की चार ब्रांचेस है, सेम बिजनेस है, ठीक है, सेम बिजनेस है, तो उनको रजिस्ट्रेशन एक ही रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा। बट अगर मान लो दिल्ली की ब्रांच है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, दो अलग काम करती है, दो अलग करती है, तो इन्हें अलग रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए लेना पड़ेगा, और दोनों ही ब्रांचेस अपने अपने में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी। जो अलग अलग, जो सेम कैटेगरी है उनका सिंगल होगा, जो सेम है उसके लिए सिंगल होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब सर बात करते हैं 25B की। 25B क्या कहती है, समझो सर, 25B जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, ये मान कहता है सर देखो, मान लो दिल्ली है एक आपका, मैं इंडिया की बात करता हूँ, पूरे इंडिया को ले लेते हैं सर, अब VM सर जी पूरे इंडिया पे छा रहे हैं, ठीक है सर, एक दिल्ली हो गया सर, आजकल नेपाल के भी बहुत भाई लोग अपने दोस्त बंधु बनने पड़े, महाराष्ट्र हो गया सर आपका, सर कोलकाता हो गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है 25 सबसेक्शन 5, क्या कह रहा है सेक्शन 25 सबसेक्शन 25 कि भैया दिल्ली में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, नेपाल में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, महाराष्ट्र में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कोलकाता में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना। अब आधे ज़्यादा लोग होंगे सर नेपाल इंडिया में नहीं आता, भाई मेरे को नहीं पता, मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, मुझे नहीं पता कहाँ आता है, मैं तो पूरे इंडिया को अपना भारत मानता हूँ सर, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना, आप समझना, इंडिया में ही ये चार्ट पार्ट हो गए आपके, यानी पूरे इंडिया में जैसे अलग अलग स्टेट होंगे, मैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूँगा, तो ये सभी ब्रांचेस, ये और ये एक ब्रांच नहीं मानी जाएगी, ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है सर, ये अंतर है इन दोनों के अंतर। एक बार मैं दोबारा से समरी फॉर्म में बताऊं, देखो 25 सबसेक्शन 4 है, ठीक है, और एक है 25 सबसेक्शन 5, सर समरी फॉर्म में बता रहा हूं, 25 सबसेक्शन 5, ठीक है, और ये है हमारा टॉपिक रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डीम्ड पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्टिव पर्सन, मतलब हम अलग अलग मानेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन अलग हो गया तो भाई तू हमारे घर का मेंबर नहीं है, तो ये अलग कहता है, ये अलग कहता है, ये कहता है कि भैया दो बातें कहता है ये आपसे प्रोविजन में, दिल्ली है, दिल्ली में ही आपकी चार अलग अलग ब्रांचेस हैं ABCD, बट दे डूइंग सेम बिजनेस, अगर वो सेम बिजनेस करते हैं तो वो सिंगल रजिस्ट्रेशन पे चल सकते हैं, तो इसमें अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में दो ब्रांचेस ए और बी, ये काम कर रहा है, मैंने आपसे कहा बॉक्सिंग का, और ये काम कर रहा है आपका स्टडी का, टीचिंग का, तो भैया इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, ठीक है सर। इसमें एक और कैटेगरी, भैया कोई वॉलेंट्री चाहता है, खुद से ही कह रहा है सर, खुद से ही कह रहा है सर, मैं इतना बड़ा बिजनेस अलग अलग ही करना चाहता हूँ, मैं ABCD सबके लिए मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, सेपरेट 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 सेपरेट, तो भैया चारों ही अपने आप में क्या हो जाएगा, दीवार डाल जाएगी, दोनों ही अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। और 25 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये कहता है सिर्फ बात दिल्ली की मत करो यार, कोलकाता भी जाओ, तेलंगाना भी जाओ, दिल्ली भी जाओ, पंजाब भी जाओ, तो और इन सबको अलग अलग मानो, सबकी रिटर्न, सबका प्रोसीजर, सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग, इज कॉल्ड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर बहुत अच्छे समझाया, हमें समझ में आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइक का बटन प्रेस कर देना ना लाइक को अगर समझ में आ गया, ठीक, ओके ओके आ गया समझ सर, आगे बताओ सर, आगे क्या पढ़ा रहे हो सर, आगे आपको, अब मैं आपको बताऊंगा सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 105, सेक्शन 2 सबसेक्शन 93, सर सप्लायर का मतलब सिखाऊंगा मैं आपको, क्या सिखाऊंगा, सप्लायर का मतलब, सप्लायर कौन होता है सर, सर नॉर्मली सोचो आपके लिए कौन सप्लायर है, तो जो पर्सन हमें सप्लाई करता है वो हमारे लिए सप्लायर है, तो हो सकता है वो पर्सन हमें गुड्स दे रहा हो, या हो सकता है वो पर्सन हमें सर्विस दे रहा हो, ठीक है, वो हमारे लिए सप्लायर कहलाएगा। अब मान लो मैं VM प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अब मुझे जो भी पर्सन गुड्स देगा, वो मान लो मैं प्रिंटिंग करवा रहा हूँ, इतनी सारी किताबें आपके लिए भिजवा रहा हूँ, तो जो प्रिंटिंग का काम करके दे रहा है, किताबें मुझे बना बना के दे रहा है, वो गुड्स दे रहा है। अब मान लो DTDC वाले, वो आपकी बुक्स आपके घर तक पहुँचाते, तो मुझे सर्विस दे रहे हैं, तो ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, मेरे सप्लायर्स हैं, ठीक है, बस इतना काफ़ी है सर इसके लिए। अब समझिएगा, सप्लायर मीन्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, हो सकता है कोई पर्सन मुझे दोनों ही दे रहा हो, शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स, सेट गुड्स मतलब उदास गुड्स नहीं सर, सेट गुड्स मतलब जो मैंने उनसे भेजने के लिए कहा है, जो मैंने उन्हें कहा है कि भिजवा देना वो, और सर्विसेज और बोथ
एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर्स। मान लो कई बार होता है जो प्रिंटिंग वाले भाई साहब हैं हमारे दयानंद साहब कई बार बिजी हो जाते हैं, तो वो कई बार अपने एजेंट से कॉल करवा देते हैं या उनके थ्रू डिलीवर करवा देते हैं हमारे घर पे। तो शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। तो दयानंद सर अगर बीमार है तो उनके बिहाफ पे वो काम करके मुझे देता है, क्योंकि अब वो हमेशा तो ठीक नहीं रह सकते, बीमार है कई बार। अब कई बार आप सीए ड्रीमर्स में कॉल करते हैं, मैं तो पिक करता नहीं हूँ, मेरे साथ जो लोग मेरी टीम काम कर रही है वो आपके लिए कॉल पिक करती है। तो हम पूरी टीम जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सप्लायर आपके लिए ट्रीट किए जाएंगे। ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद है सर रिसिपियंट। सर देखिए रिसिपियंट में पहले पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हाईलाइट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे वेयर अ कंसिडरेशन, ठीक है ओके। फिर सर यहाँ पे वर्ड है वेयर नो कंसिडरेशन। अच्छा अब सर दोबारा से हाईलाइट करना, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और यहाँ है सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इसमें एक चार्ट बन सकता है आपका। कह रहे रिसिपियंट सर आपके तीन तरीके के होते हैं। एक कैटेगरी आपकी, मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर रिसिपियंट, तो एक रिसिपियंट वो है जो आपको पैसे देता है, वेयर अ कंसिडरेशन। और एक वो है, दो ऐसे लोग हैं जो कंसिडरेशन नहीं देते सर, जो कंसिडरेशन नहीं देते, मतलब हमें पैसे नहीं देते, नो कंसिडरेशन, पैसे नहीं दे रहे, बट हम उन्हें फिर भी रिसिपियंट मान रहे हैं क्योंकि उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हुई है। वाओ सर समझ में आ गया सर, आपने पढ़ाया नहीं फिर भी समझ में आ गया। थोड़ा सा सर और थोड़ा सा एक दो सर एग्जांपल दे दो, मजा आ जाए, ठीक है ओके। अब मैं इसके लिए चार्ट बनाऊंगा बगल में, और चार्ट के थ्रू आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मान लीजिए सर मैं बात कर रहा हूँ रिसिपियंट की, ठीक है रिसिपियंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 रिसिपियंट। रिसिपियंट को सर हमने कैटेगरी में बांटने की कोशिश की। एक कैटेगरी हमारी बन जाती है वेयर कंसिडरेशन, ठीक है जहां पे कंसिडरेशन हो रहा है, और एक ऐसा जहां पे कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है वेयर नो कंसिडरेशन, यहां पे कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। तो जहां कंसिडरेशन हो रहा है रिसिपियंट कौन है, जो मुझे पैसे दे रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन, जो मुझे कंसिडरेशन देगा, मतलब जो मेरे को अभी फिलहाल, कंसिडरेशन का मतलब भी अभी हम सीखेंगे अगली क्लासों में, फिलहाल आप सोचो जो मुझे पैसे देगा, जो कंसिडरेशन देगा वो मेरे लिए कौन है, मेरा रिसिपियंट है। अब आप मेरी पेन ड्राइव खरीद रहे हो कॉस्टिंग की, लॉ की, मेरी बुक खरीद रहे हो जीएसटी की, कंपनी लॉ की, अदर्स लॉ की, ऑडिट की, आईटीएसएम की, ईएसएम की, तो सर आप सभी मेरे लिए मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो, तो आप मेरे लिए रिसिपियंट। वेयर नो कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे पैसे नहीं दे रहा रिसिपियंट, पैसे नहीं दे रहा, तो सर दो केस हो जा रहे हैं सर इसमें नो कंसिडरेशन वाले केस में। सर दो केस कैसे, या तो मैंने उन्हें क्या दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स दिया है। सर सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जांपल बताओ ना सर, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल बुक दे दी, किसकी दे दी सर, मैंने ESSM के, उसने वीडियो क्लासेस नहीं मांगी, ESSM की और ऑडिट की बुक मांग ली हमसे। अभी सर कल परसों एक नेपाल कोरियर गया है, ठीक है, तो ऐसी उन्होंने बुक मांग ली सर, पेन ड्राइव नहीं मांगी, ठीक है। और या फिर और सर पेन ड्राइव भी आ सकती है सर यहाँ पे, ठीक है कॉमर्शियल एग्जांपल ही दे रहा हूँ सर, जो व्यवसाय मैं कर रहा हूँ उसी का बता रहा हूँ आपको। और कई बार सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब वो कह रहा है सर हमें ऑनलाइन एक्सेस दे दो अपने वीडियो का, गूगल ड्राइव के थ्रू वीडियो क्लासेस दे दो सर। अब यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन वो कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे सर। सर ये रियली अपना एक्चुअल केस बता रहा हूँ आपको। एक भाई साहब है हमारे नेपाल से, स्टूडेंट है हमारे, नेपाल के स्टूडेंट ने क्या किया, अपने चेन्नई वाले दोस्त को कॉल किया, ठीक है चेन्नई वाले दोस्त ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए, और बुक मैं किसे भेज रहा हूँ आपको पता है, नेपाल वाले स्टूडेंट को, ठीक है क्योंकि नेपाल से पैसे भेजने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसा होता है, वी आर नो कंसिडरेशन, जो रिसिपियंट है, जो मेरी बुक ले रहा है वो पैसे नहीं दे रहा, कोई और दे रहा है, ठीक है। अब आई थिंक आपको केस क्लियर हो रहा होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, ये तो आपने एग्जांपल दे दिया, अब यहाँ पे रिसिपियंट कौन है, तो वो ये कह रहे टू होम जिसे टू होम
दी गुड्स आर डिलीवर्ड, दी गुड्स आर डिलीवर्ड टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसे हम गुड्स भेज रहे हैं। दूसरा आप उसे कह सकते हो टू हुम पोजेशन, पोजेशन और यहां पे और स्लैश लगा दो, और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन या मेड अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ सर? टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, मैंने किसको किए? मैंने नेपाल वाले स्टूडेंट को किए गुड्स डिलीवर, अपनी बुक्स भिजवाई। या फिर टू होम पोजिशन और यूज ऑफ गुड्स आर गिवन, कि मान लो भिजवाई नहीं, भिजवाने के बाद भी नेपाल वाले भाई साहब ने किसी और को दे दी, तो मेरे लिए रिसिपियंट वो बंदा हो जाएगा जिसको मैंने अपनी बुक्स यूज करने की परमिशन दी। पोजिशन, मैंने उसको अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपनी मशीन्स यूज करने की परमिशन दी, तो पोजिशन, तो वो रिसिपियंट वहां पे माना जाएगा। ओके, और सर सप्लाई वाले केस में, सप्लाई वाले केस में जिसे हमने वीडियो एक्सेस दिए सर वीडियो के, तो इस केस में पर्सन वो व्यक्ति टू होम सर्विस इज रेंडर्ड, सर्विस इज रेंडर्ड, जिसे हम सर्विस दे रहे हैं, जिसे भी हम सर्विस देंगे वो यहां पे कवर्ड हो जाता है। सर ये चार्ट तो आपने बहुत अच्छा बना दिया, थैंक यू थैंक यू। अब सर इसी को बुक में पढ़ा दो तो माने, आओ दोस्त यहां पे तक मैंने लिखवा दिया था, करवा दिया आपको, अब एक बार रीडिंग कर लो सर मेरे साथ। द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड एक हो गया, मेड अवेलेबल मैंने उन्हें प्राप्त करवा दिए, टू होम पोजिशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन, जिन्हें गुड्स दे दिए, और सी में क्या है सर? द पर्सन टू होम द सर्विस इज रेंडेड, जिसे सर्विस रेंडेड कर रहे हैं, और टू रेफरेंस कि भैया मुझे मत देना, किसी और को दे देना, तो इस तरीके से होता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू थैंक यू। सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और भी हैं सर, जैसे सर टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है। तो देखो टैक्सेबल सप्लाई में एक चीज यहां पे लिखना नोट, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन क्या है सर? 2108 टैक्सेबल सप्लाई। देखो टैक्सेबल सप्लाई में आप जो समझ रहे हो वो तो है ही है, कि जिस पे जीएसटी का चार्ज बनता है, जिस पे टैक्स लेवियबल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें चार चीजें और आती हैं टैक्सेबल सप्लाई में, इन्हें लिख लेना ताकि आपसे एमसीक्यू सर बन सकता है इसके ऊपर। देखो चार्जेबल टू सप्लाई, चार्जेबल टू सप्लाई मतलब जिसके ऊपर सप्लाई लगा रहे हो, जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, वो तो है ही है। कई बार सर इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, सर एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर चैप्टर है अपना एक, एग्जेम्प्ट सप्लाई ये कहती है टैक्स तो लगेगा, इसकी हिंदी लिख लेना यहां पे, हिंदी लिख लो, टैक्स तो लगेगा लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा इसे अभी एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है, अभी कुछ समय के लिए माफ कर रखा है ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। उसके बाद सर एक होता है निल रेट, टैक्स तो होना चाहिए यहां पे लेकिन गवर्नमेंट ने रेट उसका निल कर रखा है, सोचा है गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक को नुकसान ना हो जाए। और एक होता है सर जीरो रेट, जीरो रेट का मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, एक्सपोर्ट के केस में होता है, ठीक है। तो ये चीजें टैक्सेबल सप्लाई में चार चीजें आती हैं, एमसीक्यू अगर आ जाए तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा सर, अगर ये सारे ही ऑप्शन उसके अंदर दिखाई दे, एमसीक्यू बन सकता है सर इसके ऊपर। तो सर यहां पे टैक्सेबल सप्लाई की मीनिंग क्या लिखी है जरा पढ़ते हैं। इसका मतलब है मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है, विच इज लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब जिसको इस एक्ट के अंदर टैक्स लगना चाहिए, जो टैक्स लगने के लिए लेवियबल है वो है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है? मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, जिस पे जिसे इस एक्ट के अंदर नहीं कवर्ड किया जाना चाहिए। सर एग्जाम्पल लिख लो सर यहाँ पे, यहाँ पे बगल में जगह होगी सर आपकी बुक में, यहाँ पे सर आप लिख सकते हो एल्कोहल, पढ़ा था हमने बेसिक में, याद आ रहा है आपको, आपका पेट्रोल हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड नहीं होती, ठीक है, ईटीसी भी लिख देना दोस्त। उसके बाद सर टैक्सेबल पर्सन कौन है, ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन कौन है हमारे लिए? टैक्सेबल पर्सन देखो वो है मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 22 और 24, मतलब जो पर्सन जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कर ले रहा है। लाइबल टू रजिस्टर कौन है सर? जिसकी मतलब जिसकी सप्लाई या फिर जिसकी सेल जो है वो 20 लाख को क्रॉस कर गई,
20 लाख को सर क्रॉस कर गई तो अब तो आपको जीएसटी पे करना पड़ चाहिए ना, आप नहीं ले रहे हो तो आपकी गलती है, गवर्नमेंट जब पकड़ेगी तो पकड़ के कूटेगी आपको, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो आप, तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था लेकिन ले नहीं रहा, वो भी यहाँ पे कवर्ड होता है, ठीक है, ओके गुड। तो ये हमने ये भी पढ़ लिया, और सर कुछ है हमारे पढ़ने के लिए? हाँ सर, अभी देखो तीन डेफिनेशन और पढ़नी है हमें इसी पार्ट में। एक तो है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे सप्लायर है और रिसीवर है, रिसिपियंट है, सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है लेकिन कुछ केसेस में रिसिपियंट जीएसटी पे करता है तो उसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। डेफिनेशन याद करनी है? नो, डेफिनेशन याद करनी है? नो सर, यस, इसकी डेफिनेशन याद करना, इसकी नो, इसकी जरूरत नहीं है, समझने लायक है। टैक्सेबल पर्सन की याद कर लेना, टैक्सेबल सप्लाई की सर याद रखना, और किस किस की, और सर रिसिपियंट की यस याद रखना, सप्लायर की नो जरूरत नहीं है सर, और डिम डिक्शन पर्सन सर 5 स्टार मैंने आपको पहले दिलवाया, याद कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको यही बता दिया इस पार्ट में क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? सर इसके लिए आप लिख सकते हो सर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, और आपका ओला, ठीक है, ये सारे लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जाते हैं। ये क्या है? हु ओन्स ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटी, यानी वेबसाइट, वेबसाइट्स या फिर जो मोबाइल ऐप होते हैं, ठीक है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है, ओके। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की मीनिंग है सर, एक बार पढ़ लेते हैं बस सर, इसमें एक बार अभी रीडिंग कर लेना मेरे साथ और एक बार एग्जाम से पहले रीड कर लेना, एग्जाम से पहले बस सर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी। सर ये क्या कहते हैं? मीन्स प्रोसेसिंग और रॉ मटेरियल और इनपुट्स, मतलब हम प्रोसेस करेंगे सर किसको? सर जो कच्चा माल लाओगे वो, जो भी आप इनपुट दोगे हमें वो, और एनी मैनर दैट रिजल्ट इन इमेजेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कि जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट का उत्पाद होता हो, नया प्रोडक्ट क्रिएट होता हो, हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, जिसका हो सकता है नाम अलग हो सकता है उसका कैरेक्टर अलग हो सकता है उसका यूज़ करने का तरीका बदल जाए, तो इसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं, ठीक है सर। बहुत अच्छा है सर, आप मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक चार्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो सर। तो सर आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। सर इसमें आप क्या कह सकते हो कि देखो हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि भैया या तो हम रॉ मटेरियल लें, रॉ मटेरियल लें, या तो आप ये कह दो कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की तौर पे हम ले रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, और नए प्रोडक्ट का हो सकता है नाम कुछ और हो, ठीक है, हो सकता है इसका इसका ये बोल दो कैरेक्टर कुछ और हो, ये कुछ और काम करता हो, ठीक है। अब दूध से लस्सी बना दो तो दूध का अलग काम है, लस्सी का अलग काम है, दही का अलग काम है, कैरेक्टर बदल दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं ओवरऑल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। सर चार्ट्स बना लेना, लास्ट टाइम में रिवाइज करने में रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सर इसी के साथ अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट पार्ट में सर मिलते हैं। और सर एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक एंड कमेंट करके एकदम धुआंधार तोड़ दो सर, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं धांसू पढ़ा रहा हूँ, और फीडबैक जरूर देते रहना। अगर आपके कमेंट में रिलेवेंट क्वेरी होगी तो मैं जरूर एंटरटेन करूँगा, 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर दूर दूर तक एग्जाम से कोई रिलेवेंस नहीं है तो मे बी आई विल इग्नोर इट, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।